हेलो दोस्तों, तो आज आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो बल्ब है। हमारा जो एलईडी बल्ब है ना, ये बहुत भी बार एक एक बार ख़राब हो जाता है, तो इसको हम आज रिपेयरिंग करेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये वाला बल्ब नहीं जल रहा है, तो उसको आज हम रिपेयरिंग करने वाले हैं और काफ़ी इजी तरीके से इसको रिपेयरिंग करने वाले हैं। आपको इसी तरीके से ये जो बल्ब का ढक्कन है वो खोल देना है। उसके बाद ये जो कीट है हमको उसको निकाल देना है। सोल्डिंग का दो पॉइंट ना, उसको हम सोल्डिंग आयरन की मदद से निकाल लेंगे। अब देख सकते हैं हमारा जो किट है वो निकल चुका है। उसके बाद ये जो हमारे पास टेस्टर है इसकी मदद से इसको खोल लेंगे। अब ऐसे इस तरीके से खोलेंगे तो आपका जो वो जो प्लेट है वो बेंड नहीं होने होएगा। अब देख सकते हैं इस तरीके से खोल लेना है आपको। इसके बाद जो ये कीट है इसको हम निकाल लेंगे पूरा, क्योंकि हमको जरूरत ही नहीं है। जो पीछे देख रहे हो आप, ये जो हमारा पॉइंट दिया गया है उसको आयरन की मदद से हम गर्म कर लेंगे और उसको हम निकाल लेंगे। इसके बाद ऐसे ठोकराने के बाद ये सब छूट जाएगा, देख सकते हैं। तो काफ़ी बढ़िया तरीके से निकल रहे हैं। तो ईज वाला जो नीचे वाला है उसको संभाल के रखने का, नहीं तो फिर आपको सोल्डर ज़्यादा लग जाएगा, तो इसीलिए हम उसको रीयूज कर लेंगे। उसके बाद वही सब जितना भी निकाला है उसी को यूज करके हम फिर वहाँ पे डाल देंगे लास्ट में। ये हमारा सर्किट निकल चुका है। अब इसमें हमको वायर डालना है। देख सकते हैं ये रेड कलर का वायर है, एक ब्लैक कलर का वायर है। आप चाहे तो अलग वायर भी, अलग कलर का वायर भी डाल सकते हैं, जरूरी नहीं है। हम वायर काट लेते हैं, देख लेते हैं हमारा वायर कट हो चुका है। इसने हमारा जो ओयर है वो लग चुका है, हमने उसको सोल्डिंग कर दिया है। आप देख सकते हैं हमारे पास एक किट है जो कि 9 वाट का है किट, तो ये वाले किट को हम इसमें लगा लेंगे, क्योंकि ये ऑन बोर्ड मतलब डायरेक्ट एसी में चलता है। तो हाई जो जो दोनों तार निकाला है हमने, तो ये डायरेक्ट लगेगा हमारा बोर्ड में, जो पीसीबी बोर्ड में। अब देख सकते हैं हमारे पास हीट सिंक है जो कि गर्म होने से, ये काफ़ी बार क्या है बहुत गर्म होता है, इसीलिए हीट सिंक लगाया जाता है। तो हीट सिंक इस तरीके से हम लगा लेंगे। देख सकते हैं हीट सिंक लगाने के बाद ये बल्ब को भी हम चिपका लेते हैं पीछे। देख सकते हैं हमारा बल्ब लग चुका है, तो इसको हमको पहले सोल्डिंग कर देना है। अभी सोल्डिंग करने के बाद जो ऊपर का ढक्कन है वो लगा लेंगे। ट्यूजर की मदद से इसको हम सोल्डिंग कर लेंगे। हमारा बॉल फाइनल डिज का है, इसको हम अब टेस्टिंग करेंगे कि ये बॉल वर्किंग कर रहा है नहीं कर रहा है। तो देख सकते हैं हमारा बॉल है पूरा रेडी हो चुका है। अगर हमको ये ढक्कन लगा देंगे तो हमारा बॉल फाइनली रेडी हो चुका है।
अब देख सकते हैं इसी तरीके से हमारा बल्ब जल रहा है और फाइनली हमारा बॉल रेडी हो चुका है।